जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, भगवान के नाम में हमारी रुचि क्यों नहीं हो पाती। वाल्मीकि जी को अल्प प्राण वाला नाम भी क्यों नहीं आया, कारण क्या था? ध्यान देकर सुने। राम नाम उच्चारण करने में सुगम है, परंतु जिसके पाप अधिक हैं उस पुरुष द्वारा नाम उच्चारण कठिन हो जाता है। एक कहावत है कि मजाल क्या है जीव की, जो राम नाम लेवे पाप देवे थाप की, जो मुंडो फोड़ देवे। जिनका अल्प पुण्य होता है वे राम नाम ले नहीं सकते, जिनके पाप नष्ट हो गए हैं वे ही दृढ़ व्रत होकर भगवान के भजन में लग सकते हैं। राम नाम के विषय में भी ऐसी बातें शास्त्रों में पढ़ते हैं, संतों से सुनते हैं। ऐसी ही हमने एक घटना सुनी है, बांकुड़ा की बात है। एक सज्जन थे श्री बद्रीदास जी गोविंद का। वे अपनी बीती घटना सुनाने लगे। एक बूढ़ा बंगाली सरोवर के किनारे मछलियां पकड़ रहा था। श्री जयदयाल जी गोविंद का एवं श्री बद्रीदास जी ने उसे देखा और कहा, यह बूढ़ा हो गया, बेचारा भजन में लग जाए तो अच्छा है। उससे जाकर कहा कि तुम भगवान के नाम का उच्चारण करो, तो उसे राम नाम आया नहीं। वह मेहनत करने पर भी सही से उच्चारण नहीं कर सका। कई नाम बताने के बाद अंत में होड़े होड़े करने लगा। इस नाम का उससे उच्चारण हुआ और कोई नाम नहीं आया उसके मुख पे। उससे पूछा गया कि तुम्हें एक दिन में कितने पैसे मिलते हैं। उसने बताया कि इतनी मछलियां मारने से इतने पैसे मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि उतने पैसों के चावल हम तुम्हें दे देंगे, तुम हमारी दुकान में बैठकर दिन भर होड़े होड़े किया करो। उसको किसी तरह ले गए दुकान पर। वह एक दिन तो बैठा, दूसरे दिन देर से आया और तीसरे दिन आया ही नहीं। फिर 2-3 दिन बाद जाकर देखा, वह उसी जगह धूप में मछली पकड़ता हुआ मिला। उन्होंने उसे कहा कि तू वहाँ दुकान में छाया में बैठा था, क्या तकलीफ थी? तुमको यहाँ जितना मिलता है उतना अनाज दे देंगे, केवल दिन भर बैठा रहे और हरी हरी कीर्तन किया कर। उसने कहा, मेरे से यह नहीं होगा। वह दुकान पर बैठ नहीं सका। ऐसी बीती हुई घटना बताई। हमारे विश्वास हुआ कि बात तो ठीक है भाई, पापी का शुभ काम में लगना कठिन होता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तुलसी पूरब पापते हरि चर्चा न सुहात, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जात। जैसे बुखार का जोर होता है तो अन्न अच्छा नहीं लगता, उसको अन्न में भी गंध आती है। जैसे भीतर में बुखार का जोर होता है तो अन्न अच्छा नहीं लगता, वैसे ही जिसके पापों का जोर ज़्यादा होता है वह भजन नहीं कर सकता, सत्संग में जा नहीं सकता। इसलिए सज्जनों, एक बात पर आप ध्यान दें, जो भाई सत्संग में रुचि रखते हैं, सत्संग में जाते हैं, नाम लेते हैं, जप करते हैं, उन पुरुषों को मामूली नहीं समझना चाहिए। वे साधारण आदमी नहीं हैं, वे भगवान का भजन करते हैं, शुद्ध हैं और भगवान के कृपा पात्र हैं। परंतु जो भगवान की तरफ चलते हैं उनको अपनी बहादुरी नहीं माननी चाहिए कि हम बड़े अच्छे हैं। हमें तो भगवान की कृपा माननी चाहिए जिससे हमें सत्संग भजन ध्यान का मौका मिलता है। हमें ऐसा समझना चाहिए कि ऐसे कलयुग के समय में हमें भगवान की बात सुनने को मिलती है। हम भगवान का नाम लेते हैं, हम पर बड़ी कृपा है भगवान की। जैसे नदी का प्रवाह समुद्र की तरफ जा रहा है, ऐसे ही इस समय संसार का प्रवाह नरकों की तरफ बड़े जोरों से जा रहा है। पढ़ाई में, रस्म रिवाज में, कानून कायदे में, व्यापार आदि कार्यों में, जहाँ कहीं भी देखो पाप का बड़े जोरों से प्रवाह चल रहा है।
गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। कली केवल मल मूल मलीना, पाप पयोनिधि जन मन मीना। कलयुग में ऐसा जोरों से पाप छा जाएगा कि मनुष्यों का मन जल में मछली की तरह पापों में रम जाएगा। अर्थात जैसे मछली को जल से दूर कर देने पर वह घबरा जाती है, उसको पहले अगर यह समझ में आ जाए कि तुम्हें जल से दूर कर देंगे तो वह घबरा जाएगी, क्योंकि वह जल के बिना जी नहीं सकती। ऐसे ही पाप पयोनिधि, पाप रूपी तो हुआ समुद्र और उसमें जन मन मीना, मनुष्यों का मन मछली हो गया। आज अगर कहा जाए कि ब्लैक की कमाई मत करो, झूठ कपट मत करो, बेईमानी मत करो, न्याय से काम करो, तो कहते हैं महाराज झूठ कपट के बिना आज के ज़माने में काम नहीं चलता। ईमानदारी से अगर काम करें तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, हमारे से यह नहीं होगा। पाप से दूर करने की बात सुनते ही कांपते हैं वे, डरते हैं कि पाप अगर छोड़ देंगे तो गजब हो जाएगा, फिर तो हमारा जीवन निर्वाह होगा ही नहीं, हमारा तो झूठ कपट बेईमानी से ही काम चलता है। इन बातों से ऐसा नहीं मानना चाहिए कि दुराचारी पापी अन्यायी मनुष्य भजन में नहीं लग सकता। फिर से ध्यान से सुने कि इन सब बातों को सुन के ऐसा नहीं मानना चाहिए कि दुराचारी और पापी अन्यायी मनुष्य भजन में नहीं लग सकता। गीता जी में भगवान ने कहा है, सांगो पांग दुराचारी भी यदि एक बार पक्का विचार करके भजन में लग जाए तो उसे मामूली आदमी नहीं समझना चाहिए। भगवान कहते हैं उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने निश्चय पक्का कर लिया है, क्योंकि उसने निश्चय पक्का कर लिया है। जय श्री राधे।